वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट गन्नू। तो हम जा रहे हैं, सवारी जा रही है। किधर जा रही है? ये देखो बिल्डिंग देखो, ये सवारी जा रही है दीदी के घर पे। जैसे को मालूम है, अम्मा बेटे की तो कोई बहन बहन नहीं है, हमारे हब्बी जी की, हमारे सेंटा क्लॉस जी की सिस्टर है, उनके घर पे जा रहे हैं। और यहाँ पे टेम्पल देखो, मस्त टेम्पल है। और मुझे बहुत सालों के बाद एक सीढ़ी मिली है। ये देखो, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तभी ये राइमिंग हम लोग ना गाड़ी में बजाते थे, जो अभी हम लोग नहीं बजाते। मेरे को मिल गई, मतलब पड़ी थी, देखी नहीं अभी, बहुत साल के बाद मैंने देखी। इसको हम बहुत बजाते, एक टाइम रहता है ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन, और हम लोग कुछ चीज है ना अपने लाइफ में से निकल जाती है। लेकिन वो टाइम पे ये नर्सरी टाइम ने हमारा बहुत साथ दिया था, बच्चे को शांति से बिठाने का, करने का। तो जो भी लाइफ आप जी रहे हो ना बच्चों के साथ, वो एंजॉय कर लो, क्योंकि बच्चों को छोड़ना, टिफिन बनाना, करना, लेने जाना, होमवर्क नहीं करते उसको मनाना, वो एक फेज होता है जो हम एंजॉय नहीं करते। लेकिन वो लाइफ में वो टाइम वापस नहीं आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चों को अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी हम वो टाइम को याद करेंगे। मोस्टली सब लेडीज को ना, अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तभी एक अकेलापन सुनापन आ जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के कारण किधर जाती नहीं, आती नहीं, बहुत टाइम बच्चों के सगलिए वो घर पे रह जाती है। तो उसका मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज का ग्रुप नहीं बनता, बहुत सिलेक्टेड लेडीज है जिसका ग्रुप बनता है, क्योंकि वो फैमिली डेडिकेटेड रहते हैं ना, मतलब दिल से उनको नहीं छोड़ के जा सकती है, तो नहीं जाती। लेकिन अपने लिए टाइम निकालो, जाओ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना तो अपने फ्रेंड के साथ जाएंगे, सबके साथ जाएंगे, और हम रह जाएंगे अकेले। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो उसको हमारी जरूरत कम पड़ेगी, अपने फ्रेंड के साथ जाएंगे, उसका खुद का फैमिली रहेगा, उसके साथ जाएंगे, तभी हमारी जरूरत कम पड़ेगी ना, तभी हम अकेले हो जाते। तो बेटर वो जब छोटे रहते ना लर्न, अपनी जिंदगी भी वापस नहीं आने वाली। वो भी बहुत जन मुझे बोलते, यू नीड टू गो लिव योर लाइफ, जो मैं नहीं करती हूँ। मुझे ऐसे नहीं फील होता कि उनके छोड़ के जाऊं मैं, मुझे एक्चुअली बोलूं ना बहुत कम अच्छा लगता है टू एंजॉय विदाउट देयर। लेकिन एंजॉय करना चाहिए, जो मैं करना चालू करने वाली हूँ। और ये हमारा परिवार जा रहा है साथ में, सबको आप जानते हो। ये मेरा क्यूटी को देखो, मैंने इसकी वजह से ब्लू पहना है, इसने ब्लू पहना ना इसलिए ब्लू पहना। और मुझे लगा इनका ब्लू है, एक्चुअली आपको कौन सा कलर दिख रहा है? ये रामा ग्रीन है। मेरे को लगा उनका भी ब्लू है, तो ब्लू ब्लू के चक्कर में मैंने भी पहना ब्लू। इयररिंग्स बाद में पहनूंगी। गाइस अभी इलेक्शन आने वाला, देखो ये सब रेड में, सब पेट्रोल भराने के लिए आए। यहाँ पे कुछ रैली है क्या क्या मालूम, यहाँ पे सब भर रहे। देखो आपको दिखेगा कि नहीं, पूरा ये बहुत बड़ा रैली था। पेट्रोल भरा के हम लोग रिटर्न हो रहे हैं रॉन्ग साइड से, थोड़ा आना पड़ा हमको, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी। इंडिकेशन दे दिया है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है गनसोली रेलवे स्टेशन है। ये साइड आपको दिख रहा है, ये गनसोली रेलवे स्टेशन है। हम लोग उधर से जा रहे हैं सी, वो हमारे हेवी ड्राइवर साथ में रहते हैं, हमको डोर नहीं रहता है। डोर यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट, कोकोनट स्पेशली उसका, बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे बैठे रहते हैं। और यहाँ का व्यू देखो, एक्चुअली ये बॉम्बे में ही है, लेकिन दोनों साइड माउंटेन। यहाँ पे क्या ना रिसोर्ट हो जाएगा ना किधर भी, इनकेस इन फ्यूचर मैं बता रही हूँ, वो चलेगा बहुत ना। ये माउंटेन एरिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही, इवन क्लाइमेट भी ठंडा ठंडा हो गया है बहुत, दोनों साइड माउंटेन है ना, इधर इधर, तो बहुत ठंडा हो गया है। वैसे देखो टेडी बेयर, बहुत सारे टेडी बेयर्स। और यहाँ पे ना ये जो है ना टर्न लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ना कुल्हड़ चहा नीठेचा वड़ा पाव, वो एक बार खाया था, लेकिन बहुत ही तिक्कड़ था। लेकिन उधर रश काफी ही
ज्यादा होती है। कौन सा एरिया मालूम नहीं, हला मालूम नहीं बोला मेरे को। यहाँ पे रश देखो आप, खाली आप रश देखो कितना लाइन है, और लेकिन देखो गर्दी, देखो गर्दी, कांदा बजी 30 पेटीस 30, बहुत गर्दी, बहुत गर्दी। एक्चुअली ना टर्निंग में हैपनिंग प्लेस है, लोग देखो गाड़ी खड़ा रह के रख रख के जा रहे खाने के लिए। और यहाँ पे भी एक ना ऊपर ट्रैक करके कुछ तो भी मंदिर है, अभी मेरे को जाना है मंदिर है क्या है आई डोंट नो, ऊपर कुछ तो भी है। इधर है ना राइट हैंड साइड पे ऊपर जाते हैं ना तो कुछ तो भी हाय। गाइस देखो यहाँ से ऊपर है टेंपल है गणपति बापा का ही कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक बार आने का विचार है, इधर विचार आके तुमको दिखाने का है। जब भी वो दिन आया वो तब हम दिखाएंगे। तो पहले रोड सिंगल था, पूरा सिंगल था, ओनली सिंगल रोड, अभी ये रोड बड़ा हो गया है। अच्छा तो यहाँ से जाने वाला है कुछ, लेकिन वो कौन सी जगह थी वो तो बोलो। ये आ गया अपना क्या, देखो अभी क्या बोलने का भूल गया क्या, जबान पे है लेकिन सिलपटा, सिलपटा राइट। देखो देखो गाइस मुझे मालूम था सिलपटा आने वाला है, मैंने सोचा उनको याद आ जाए। आगे सिलपटा है जो हम लोग जाते हैं ना, ये रोड डोमीवली की ओर से थाने की ओर से इधर वड़ा पाव वाला है, बहुत रश रहता है उधर बहुत ज्यादा, इसको बोलते है सिलपटा। मेरे को लगा मेरे को भूल गई लेकिन मेरे को आ गया जमान में सिलपटा। अभी कौन सा रोड किधर जा रहा है वो बोल दो आप खाली। अभी ये जा रहा है लेफ्ट साइड जाएगा, वो निकलता है थाना बाजू, ये लेफ्ट रोड है ना थाना जाता है गाइस, ये वाला राइट साइड जो जाता है वो न्यू बॉम्बे जाता है, ये न्यू बॉम्बे जाता है, ये थाना जाता है, सीधा जाता है सीधा वाला डोंबिवली कल्याण का है, लेफ्ट साइड है वो थाना है, राइट साइड वाला न्यू बॉम्बे, और कल्याण डोंबिवली और अमरनाथ का रास्ता माथेरान, माथेरान में जा सकते, और ठीक है जाएंगे हम लोग माथेरान जल्दी। गाइस यहाँ पे पूमा का शोरूम है, अबे बाप बेटा हालो हालो कर रहे हैं, आउटलेट है, आउटलेट स्टोर है, 60% ऑफ चल रहा है। अब ये लोग अभी हालो हालो हो गया, देखो एक मिनट रुको इसका हालो हालो दिखाती हूँ मैं। इधर हालो किधर जाने का है ए बीडू, इधर आउटलेट स्टोर में तुम हालो हालो, हम लोग क्या करेंगे तुम भी देखो, लेडीज का भी रहता है उधर। नॉट इंटरेस्टेड, और दो चार आउटलेट है ना हमको मालूम है, उधर कितने जगह पे जाने का मालूम ही नहीं है, जाए तभी हाचू जाना जाना, लेकिन जाएंगे। थोड़ा हेल्थ इश्यू गाइस है ना, अभी ना थोड़ा हम है ना गोदा खा रहे, गोदा खा के हाल रहा है, थोड़ा बराबर हो गया ना फिर सब दिखाएगा तुमको, थोड़ा वेट करो। कितना बड़ा बड़ा ये देखो इधर भी, इधर रुको, बहुत सारे फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर फर्नीचर। मेरे बेटे को मैंने बोला के तुम लोग अभी बाप बेटे ना दो बार है ना जाके आए हैं मेरे को छोड़ के, मेरे को ठीक नहीं था मॉल जाके है ना, तो मुझे बोले तू शॉपिंग सेंटर तो जाती है, शॉपिंग नहीं करती है ले काम करने का, उधर शॉपिंग कैसे करेंगे। दोनों बाप बेटे ने मेरा ठीक ना होने का पूरा फायदा उठा के घूम के आए दो जगह पे, अभी हंस रहा है, खल रहा है, खल खलेरो खले, हमारे लैंग्वेज में खलेरो मतलब हंस रहा है। देखो इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं दीदी के पास। इधर देखो फर्नीचर शोरूम है, रेस्टोरेंट शोरूम बहुत बहुत सारा है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट आते हैं, बहुत सारे फर्नीचर शोरूम ये रोड पे है। इधर लिखा है पढ़ लेगा मैं इधर। दूसरा फर्नीचर स्टेशन बहुत बड़ा, ये तीसरा मेरे से ये डिवाइडर के बीच में आपको ये सब दिख रहा है, ये देखो ये सब कटिंग को क्या बोलते हैं, वाटर कटिंग या लेजर कटिंग,
ये कटिंग से सब डेकोरेट किया ही। ये देखो आप कमेंट में बताइए हमें, आप तो कमेंट करते नहीं है लेकिन कमेंट करो ये सब आपको कैसा लग रहा है, ये सब लेजर कटिंग है ना बीच में, ये सब देखो अच्छा लग, मुझे तो लग रहा है अच्छा, मुझे लग रहा है अगर एक सरखा ही रहता था ना देखो तो बहुत अच्छा लगता था, सब अलग अलग किया है उससे बेटर एक ही रो में एक सरखा रखते थे ना। ये देखो डियर बनाया है, इधर पीकॉक है, देखो ये पीकॉक डियर, ये सब के कोई एक ही चीज रखते थे ना तो ज्यादा अच्छा, ये भी काफी खूबसूरत है। और सामने देखो फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ये देखो ये अभी ये देखो ये वार्ली पेंटिंग का है, अभी लीव्स आ गए पॉट देखो, ये कंटिन्यूस पूरे रोड पे इट्स लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक जैसा ही रखते थे ना वो, दैट इज माय ओपिनियन, तो काफी ही खूबसूरत लगता था। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये फर्नीचर, ये रोड नहीं फर्नीचर की जगह है, ये हम लोग ने लगाया था ना महाबलेश्वर गए ना तभी लगाया, तभी बहुत धूप थी तभी हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी कभी कभी नड़ता है हमको ये। गाइस इधर एडिडास का भी 60% ऑफ चालू है, और इसका पापा हालो चालू हो गया है, उसके डेट ने डायलॉग बोले हमको डिस्काउंट भी कभी नहीं शॉपिंग करता हूँ, और सच में बोलो डिस्काउंट देख देख के शॉपिंग करता हूँ। यहाँ पे दो शूज का शोरूम गया ना होलसेल का, साड़ी का होलसेल है ये वाला, और इधर भी देखो साड़ी का होलसेल, टेक्सटाइल मार्केट होलसेल होलसेल फर्नीचर और साड़ी का होलसेल, अगर आपको शॉप करना है खुद का होलसेल साड़ी गो डाउन, मिल विक्रेता जिसका शॉप है घर में बेचते वॉट एवर द रीजन में भी, ये होलसेल डीलर है, देखो कितना बड़ा शॉप है होलसेल डीलर का, हमने देखा नहीं लेकिन बाहर से हमको अच्छा लगता है। ये जीवदानी हॉस्पिटल के बाजू में है, ये अगेन टेक्सटाइल मार्केट, देखो होलसेल साड़ियों का डिपो, देखो कितना होलसेल साड़ी का है और सब कलेक्शन जोरदार है, इट्स रियली ऑसम, बहुत सारी होलसेल है टेक्सटाइल होलसेल, अगर कोई आना चाहते हो और बिजनेस चालू कर सकते ये शॉप, तीन चार शॉप है ना चेक करो आप। मेनी मोर साड़ी होलसेल गाइस, हाँ येलो साड़ी जोरदार है यार, एक साड़ी दे तो येलो साड़ी में रेट पूछो, दे से नहीं नहीं बोले एक साड़ी अच्छे को एक साड़ी सिंगल साड़ी मिडेल, सिंगल साड़ी मिडेल उधर लिखा था सिंगल साड़ी मिले अच्छे अखर मैंने ना प्लेन खपे आऊ भोपड़ा है थोड़ा। गाइस अभी मेरे पापा फ्रूट लेने गए हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं, सब काले दिख रहे हम काली ही तो क्या हो जवानी दिख रहा है, इधर इधर फ्रूट लेते हुए देखो देखो काले काले में गोरे गोरे मेरे पति और जाले में मेरे पति, वो फ्रूट ले रहे हैं फ्रूट ऐसे दिखा हमको दिखा और दिखो ये देखो दीदी के घर के लिए फ्रूट लिया जा रहा है, और हम यू अंधेरे में ढेंटड़े टिड़िन 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 ढेंटड़े पहुंच गए। Oh,
गाइस अभी हम बड़ा पाव लेने आए हैं। बड़ा पाव खत्म हो चटपटा सा डिनर, वड़ा पाव, दाबेली, समोसा। और है ना यहाँ पे ना वड़ा पाव में बहुत सारी आइटम डलती है, कांदा, रेड चिल्ली पाउडर, ओ चटनी सॉरी। और उधर देखो, उधर का स्पेशलिटी तो इधर मक्का का ही था। रात आता तो देखिएगा बेटा, मक्का का चिवड़ा वड़ा पाव में आता है। इट्स रियली वेरी मच टेस्टी। कैसा लगा? ये लोगों को तो अच्छा लगा, ये लोगों को हम पूछेंगे नहीं। आपको कैसा लगा? अच्छा है। वो तो हमेशा अच्छा रहता है। अभी मेरा टर्न। गाइस ये लोग हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। वी लाइक इट वेरी मच, बहुत ही टेस्टी, स्पेशली दाबेली। दाबेली के नहीं, दाबेली के अंदर जो रहता है ना मावा, दैट इज गुड। वड़ा पाव मैं खाती नहीं हूँ, फेवरेट है, 2 ईयर्स के लिए मैंने छोड़ा है। समोसा आई लीट, बट एवरीथिंग इज यमी, सुपर जो इनर की फीलिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो Do like, share and subscribe our channel, Vibrant Gannu. Jai Bharat Jai. Bye guys.